नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में भी शादी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शादी की देरी हो जाती है और उनकी शादी नहीं बन पाती, या फिर लड़की में कोई कमी होती है या फिर लड़के में कोई कमी होती है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती। जैसे या तो हाइट कम है या फिर किसी भी वजह से जिसकी वजह से उसकी शादी टल जाती है या होते होते भी रुक जाती है। तो जानते हैं आज राशियों के हिसाब से कौन से उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से आपकी शादियों में बाधाएं आनी खत्म हो जाएंगी। राशि नंबर एक, मेष राशि। यदि आपकी राशि मेष राशि है और आपकी शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आप सप्तमेश शुक्रवार के दिन आप पीड़ित हैं तो उसकी पूजा कीजिए। आप दुर्गा माँ की आराधना करें और दुर्गा माँ की आराधना करते रहें महीने भर तक, तो यह उपाय जरूर करें और ओम दुर्गाय नमः का जप जरूर करें। ऐसा करने से आपके शादी में हो रही बाधाएं सारी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। नंबर दो, वृषभ राशि। यदि आपकी राशि वृषभ राशि है और आपकी शादी में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आप माँ कात्यायनी की भी पूजा करें, क्योंकि सप्तमेश मंगलवार में अगर पीड़ित है तो इसका मतलब आपके विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो माँ कात्यायनी का आप आराधना करें, पूजा करें और माता कात्यायनी के मंदिर जरूर जाएं, और ऐसा करने से आपके जीवन में जो इतनी भी शादी से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। नंबर तीन, मिथुन राशि। यदि आपकी राशि मिथुन राशि है और आपकी शादी में भी बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए आपका गुरु सप्तमी भी पीड़ित होगा, जिसकी वजह से आपकी शादी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो आप कोशिश करें कि आप गुरुवार के दिन अपने पूजा स्थल पर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें और एक माला जप रोज करें। ऐसा करने से आपकी शादी में आ रही समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। नंबर चार, कर्क राशि। यदि आपकी राशि कर्क राशि है तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी और सप्तमेश पीड़ित होने की वजह से आप उस चीज को दूर करने के लिए शनिवार का व्रत जरूर करें और सोमवार को जल में कुछ काला चीज या तो दाल डालें या फिर कोई ऐसी चीज जो काली हो उसे डालकर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी शादी में आ रही समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। नंबर पाँच, सिंह राशि। सिंह राशि का सप्तमेश शनि है और यदि आप शनि की पूजा करते हैं तो पूजा आपको नियमित करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूजा बीच में छोड़ते हैं तो इससे भी आपकी समस्याएं दोबारा से उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आपके शादी में भी विलम्ब हो रहा है तो उसके लिए भी आप शनि महाराज की पूजा करें और ओम शनिदेव नमः का जप करते रहें। ऐसा करने से भी आपकी शादी में हो रहे विलम्ब दूर हो जाएंगे और आपकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। नंबर छह, कन्या राशि। यदि आपकी कन्या राशि है और आपका गुरु भी सप्तमेश से पीड़ित है तो आप रोज गणेश का श्रोत करें और कोशिश करें कि बुधवार के दिन गणेश श्रोत जरूर करें और गणेश जी को दुर्गा भास जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आ रही शादी में दिक्कतें और समस्याएं वह सभी दूर हो जाएंगी। नंबर सात, तुला राशि। यदि तुला राशि के लोगों की भी यही समस्या है कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी एक उपाय है कि आप मंगलवार के दिन उनका सप्तमेश पीड़ित होता है तो इस वजह से उनके विवाह में विलम्ब हो रहा है। यदि आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को चोला चढ़ाते हैं और हनुमान शोध पढ़ते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी शादी में आ रही बाधाएं सभी दूर हो जाएंगी। नंबर आठ, वृश्चिक राशि। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका शुक्र सप्तमेश में पीड़ित होगा, तो जिसकी वजह से आपकी शादी में विलम्ब हो रहा है, तो आप कोशिश करें शुक्रवार को माँ काली दुर्गा का श्रोत करें और उनकी पूजा और आराधना में अपना मन लगाएं। तो ऐसा करने से एक महीने के अंदर आपको उसके फल जरूर नजर आएंगे और आपका विवाह कहीं ना कहीं जरूर तय हो जाएगा। नंबर नौ, धनु राशि। यदि आपकी राशि धनु राशि है और आपकी राशि के अनुसार आपका विवाह किसी से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप बुधवार के दिन गणेश जी का श्रोत करें और गणेश जी का श्रोत करने के साथ साथ गणेश भगवान की आराधना में अपना दिल लगाएं। दिल लगाने से आपका फायदा ये होगा कि आपका विवाह कहीं ना कहीं तो जरूर तय होगा और विवाह से हो रही आपके घर में समस्याएं वह सभी दूर हो जाएंगी और आपके विवाह बहुत ही बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। नंबर दस, मकर राशि। यदि आपकी राशि मकर राशि है तो आपका चंद्रमा पीड़ित जरूर होगा सप्तमेश से, जिसके कारण आपके विवाह में जरूर विलंब हो रहा है। तो आप दूध दही और शहद का अभिषेक भगवान शिव पर करते हैं तो उससे आपके विवाह में जल्दी ही हो जाएगा और आपके विवाह में आ रही समस्याएं वह धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। और यह नियम आपको महीने में दो बार तो जरूर करना होगा। अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप हर सोमवार को भी जा सकते हैं। नंबर 11, कुंभ राशि। यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो यह सप्तमेश से पीड़ित होगा, जिसके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि आदित्य स्रोत पाठ करें और आदित्य स्रोत पाठ करने के साथ साथ आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके विवाह में आ रही अड़चने दूर हो जाएंगी।
नंबर 12 मीन राशि। यदि मीन राशि के व्यक्ति का भी विवाह किसी से नहीं हो रहा है या विवाह में विलंब आ रहा है, ओम विष्णु महास्वरूपाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते करते इससे 11 बुधवार तक करते रहना है। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही अड़चने दूर हो जाएंगी और आपका विवाह जल्द ही हो जाएगा। तो ये है वह राशियों के अनुसार अगर आप उपाय करते हैं तो आपके शादी में आ रही अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।